आप भी क्या बच्चों की तरह रो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हिम्मत वाली बेटी अपनी तकलीफ अपने डैडी से छिपा रही है। सर, आप ही डैडी को समझाइए ना, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरी वजह से आप पद्मा और धनराज को नहीं रोक सके। नहीं सोनम, तुम अपना ख्याल रखो। पद्मा के लिए संजय गया रामपुर। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। सर, अब आप भी डैडी की तरह बात करने लगे। अगर आप दोनों यही चाहते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो मैं आप दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूं। हम तो चाहते हैं तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। देखो देखो, अब आंसू तो गायब हो गए, ठीक है ना? यस सर, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ठीक कह रही हूँ ना? You're right. तुम्हारे प्रोफेसर की मदर बहुत फिक्र कर रही थी। रात काफी देर तक यहीं पर थी। तुम अनकॉन्शियस थी ना? और मोहन को घर यही रात पर यही बैठे। और आप भी रात भर जागे ना? मुझे सब पता है दादी, बार बार आकर देखा होगा मुझे। कभी कभी तो तू मेरी माँ की तरह बातें करती है। प्लीज आप इनको आराम करने दीजिए। आप लोग घर जाइए, दर्शकों को आराम दीजिए। मुझे आपसे बात करनी पसंद है। You will see only a smiling face, okay? Bye bye. Take care, huh?